भेड़ियों के आतंक का ये वीडियो यूपी के बहराइच का है। लाठी डंडे लेकर गांव के लोग रात दिन पहरा दे रहे हैं। भेड़िये के हमले में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, इनमें से 7 बच्चे हैं। करीब 34 लोग घायल भी हुए हैं। प्रशासन ने ऑपरेशन भेड़िया के तहत 4 को पकड़ा है, लेकिन 2 भेड़ियों की तलाश अब भी जारी है। फिल्मों में भी भेड़िये को खतरनाक शिकारी और इंसानों के दुश्मन के रूप में दिखाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भेड़िये वाकई आदमखोर हैं और इनका शिकार ज्यादातर बच्चे ही क्यों होते हैं, जानेंगे स्पॉटलाइट में। इंटरनेशनल वुल्फ सेंटर यानी IWC के मुताबिक ज्यादातर मांसाहारी शिकारियों में से भेड़ियों के इंसानों पर हमला करने की संभावना काफी कम है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर एक बार इनको शिकार के बाद खून की लत लग गई, तो ये आदमखोर भी हो जाते हैं। वहीं दुनिया भर में भेड़ियों के हमले का एक मुख्य कारण सामने आया है, रेबीज। तो क्या भेड़िये इंसानों के लिए खतरनाक हैं? आमतौर पर इसका जवाब है नहीं। ये अपने झुंड के साथ सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही एक्टिव रहते हैं और लंबे समय तक एक ही शिकार को खाते हैं। IWC के मुताबिक एक बार शिकार के बाद भेड़िये काफी समय तक शांत रहते हैं। भेड़ियों के इंसानों पर हमले का जोखिम 0 से बस थोड़ा ज्यादा है। साल 2000 से 2020 के बीच दुनिया भर में भेड़ियों के इंसानों पर हमले के कुल 26 मामले मिले हैं। इन हमलों में 12 तुर्की में, 6 ईरान में, भारत में 4 और बाकी दूसरे देशों में हुए हैं। नॉर्वे के नेचर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2020 तक पूरी दुनिया में भेड़ियों के 489 हमलों में से 78% यानी 380 रेबीज की वजह से हुए थे। इसके अलावा 67 हमले शिकार के लिए और 42 हमले सुरक्षा या फिर उकसावे की वजह से हुए। लाइव जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर 1996 तक यूपी में भेड़ियों के हमलों में 33 बच्चे मारे गए थे, वहीं 20 बच्चे घायल हुए थे। 1996 से 97 के दौरान भेड़ियों ने 74 लोगों को अपना निशाना बनाया था और इनमें से ज्यादातर 10 साल से कम उम्र के बच्चे थे। साल 1878 में पूरी दुनिया में भेड़ियों के हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जब एक साल में 624 लोग भेड़ियों का शिकार बने। लेकिन भेड़िये इंसानों पर हमला क्यों करते हैं? भेड़िये तभी हमला करते हैं जब किसी कारण से उनकी गुफा में पानी और दूसरी वजहों से उन्हें अपना ठिकाना छोड़ना पड़े। शिकार की कमी के कारण भी भेड़िये इंसानों पर हमला कर सकते हैं। ये अक्सर छोटे जीवों को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कमजोर और संवेदनशील होते हैं। IWC के मुताबिक भेड़िये के लिए बच्चे काफी आसान शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर इंसान इनके झुंड के किसी सदस्य को मार दे, तो वो बदले के लिए हमला करते ही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक भेड़िया इंसान पर हमला कर खुद उसका मांस खाता है और फिर उल्टी कर अपने बच्चों को खाने के लिए देता है, जिससे उन्हें भी इंसानी मांस खाने का चस्का लग जाता है। भारतीय भेड़ियों को ग्रे वुल्फ भी कहते हैं। ये एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में रखे गए हैं। भारत में करीब 3000 भेड़िये हैं। इनकी उम्र 5 से 13 साल के बीच और वजन करीब 17 से 25 किलो तक होता है। अगर आपके इलाके में भेड़िया दिखता है, तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहे।